मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज मैं सफ़ेदपोश अपराध के बारे में बताने जा रहा हूँ। सफ़ेदपोश अपराध क्या है? सफ़ेदपोश अपराध की अवधारणा, इसके अर्थ एवं परिभाषाएँ, सफ़ेदपोश अपराध के सामान्य स्वरूप और सफ़ेदपोश अपराध के कारण निष्कर्ष के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सफ़ेदपोश अपराध आज हमारे समाज के प्रमुख अपराधों में से एक है। जैसे जैसे हमारे समाज जटिल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपराध के दर में भी वृद्धि होती जा रही है। सफ़ेदपोश अपराध को अनेक नामों से पुकारा जाता है। इसे श्वेत वसन अपराध भी कहते हैं, इसे श्वेत वस्त्रधारी अपराध भी कहा जाता है। इस अवधारणा को विकसित करने का श्रेय प्रमुख से एडविन सदरलैंड को दिया जाता है। सदरलैंड ने की पुस्तक व्हाइट कॉलर क्राइम सन 1949 में प्रकाशित हुई। सदरलैंड ने दिसंबर 1949 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सभापति के रूप में अपने भाषण में श्वेत अपराधिता पर अपना विचार व्यक्त किए। उनका यह भाषण व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी शीर्षक के अंतर्गत लिखित रूप से फरवरी 1940 के अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू नामक अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित हुई। तब से श्वेत वसन अपराध की अवधारणा अपराध शास्त्र में एक विषय के रूप में एक क्रांतिकारी पुस्तक मानी गई। श्वेत वसन अपराध के अवधारणा को दृष्टिपात करते हैं तो श्वेत वसन का अभिप्राय मात्र सफ़ेद कपड़े पहनने वाले लोगों से न होकर ऐसे व्यक्तियों से है जो समाज में उच्च पद पर रहने के कारण या उच्च सामाजिक परिस्थिति प्राप्त करने के कारण कानून की पकड़ से सरलता से नहीं आते। ये लोग समाज में एक सभ्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वह अनेक कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य करते हैं। श्वेत वसन अपराध मुख्यतः विश्वास का उल्लंघन माना गया है। विश्वास का उल्लंघन दो श्रेणियों में विभाजित कर देख सकते हैं, एक मिथ्या निरूपण और दूसरा धोखेबाजी। मिथ्या निरूपण छल कपट या ठगने जैसे हैं और धोखेबाजी दोहरा संकर या दोगलापन से हैं, जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ हैं। आज हम देखते हैं कि धोखेबाजी एक हमारे समाज में एक अनिवार्य नियम बन गया है। व्यापारी, व्यवसायी, राजनीतिक या राजनेता या अन्य लोगों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किया जाता है। आज समाज में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का प्रमुख रूप यह सफ़ेदपोश अपराध ही माना गया है। सफ़ेदपोश अपराध की अर्थ एवं परिभाषाओं पर दृष्टिपात करें तो सदरलैंड ने कहा है कि श्वेत वसन अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला एक अपराध है। सदरलैंड को ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज में जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जो उच्च सामाजिक परिस्थिति को प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने व्यवसाय के द्वारा इस प्रकार के समाज विरोधी कार्य करते हैं, उसे ही श्वेत वसन या सफ़ेदपोश अपराध कहते हैं। टैप्ट नामक विद्वान ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि श्वेत वसन अपराध अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है। टैप्ट का कहना है कि अन्य प्रकार के अपराधों से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर
श्वेत वसन अपराध एक प्रमुख अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके लिए अपराध के किसी पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती है। क्लिनार्ड नामक विद्वान ने भी इसे परिभाषित किया है, श्वेत वसन अपराध ऊंची व्यावसायिक परिस्थिति के व्यक्तियों के द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में इस प्रकार के अपराध करते हैं। अर्थात श्वेत वसन या सफेद पोश अपराधी वह अपराधी है जो समाज के ऊंचे आर्थिक वर्ग से आता है, जो सुशिक्षित होते हैं और समाज के लोगों को ठगने, उन्हें धोखाबाजी देने का कार्य करते हैं तथा अपनी आर्थिक परिस्थिति को उच्च बनाने की कोशिश करते हैं। श्वेत वसन अपराध के प्रमुख स्वरूपों पर दृष्टिपात करें तो उनके प्रमुख स्वरूप हैं व्यापार में व्यवधान उत्पन्न करना। इसके द्वारा एक व्यापारी अपने अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यापारी के व्यापार में व्यवधान उत्पन्न करता है। दूसरा है विज्ञापन में ठगी। आज हम देखते हैं कि हमारे टेलीविज़न या अन्य चैनलों पर विभिन्न प्रकार के विज्ञापन दिखाई देते हैं। उन विज्ञापनों के द्वारा बताई गई बातें सत्य नहीं होती। वह अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक बिक्री करने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन दिखाया जाता है। तो इस प्रकार विज्ञापन में ठगी करना भी श्वेत वसन अपराध का एक स्वरूप है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट का उल्लंघन। आज इस प्रकार के कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट का उल्लंघन दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपनी कंपनी को अच्छा बताने के लिए दूसरे के कंपनियों की कॉपीराइट, उनका ट्रेडमार्क का उपयोग कर अपने उत्पाद की वस्तुएं का बिक्री करते हैं। चौथा है अनुचित श्रम संबंधी कार्य। विभिन्न कारखानों और उद्योगों में श्रम संबंधी अनेक नियमों का उल्लंघन कर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाह रहे हैं तो यह भी एक श्वेत वसन अपराध के स्वरूप में आता है। विश्वासघात तथा आर्थिक गमन। लोगों पर अपनी सत्यता प्रकट करने के लिए लोगों के विश्वास को जीत करके अपना कार्य या अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और शासन द्वारा टैक्स संबंधी अनेक आर्थिक गबन करते हैं, जो श्वेत वसन अपराध या सफेद अपराध का एक स्वरूप है। युद्ध एवं रक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन और इस प्रकार से अन्य अपराध भी इसके स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। श्वेत वसन अपराध हमारे समाज में क्यों बढ़ती जा रही है? इसके प्रमुख कारणों में से एक अज्ञानता एवं लापरवाही, यह श्वेत वसन अपराध का प्रमुख कारण है। लोग लापरवाही व अज्ञानता के कारण ठीक तरह से अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। पढ़े लिखे होकर के भी वह अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए या फिर अज्ञानतावश बिना किसी दस्तावेजों को पढ़े हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे बड़ी सरलता से श्वेत वसन अपराधी के जकड़ में आ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर यह देखा जाता है कि साहूकार कर्ज देते समय ग्रामीण लोगों की इस सरलता स्वभाव का पूरा फायदा उठाते हैं और वह किसी न किसी दस्तावेज में अपना हस्ताक्षर करा लेते हैं। दूसरा हम देखते हैं कानून की जानकारी न होना, यह भी एक श्वेत वसन अपराध को प्रोत्साहित करने वाला कारक है। अधिकांश लोग कानून नहीं जानते तथा इस प्रकार के श्वेत वसन अपराधियों के शिकार बन जाते हैं। जैसे एक श्रमिक कारखाने में काम करते समय गिर जाता है या वह मर जाता है या उसे शारीरिक रूप से क्षति पहुंचती है तो वह प्रबंधक, उस कारखाने के मालिक उसे थोड़े से पैसे देकर उसके आश्रितों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया, परंतु वास्तव में अगर वह मुआवजे की राशि की मांग करते तो
उसे कहीं अधिक हर्जाना मिल सकता है। श्रमिक को कानून की जानकारी न होने के कारण प्रबंधक थोड़े पैसे देकर स्वयं अधिक पैसे बचा लेता है। तीसरा प्रमुख कारण है व्यापारिक विज्ञापनों का प्रभाव। विज्ञापन का हम सभी व्यक्तियों पर एक मानसिक प्रभाव पड़ता है और श्वेत वसन अपराधी इसी मानसिक प्रभाव का लाभ उठाते हैं। विज्ञापन चाहे अखबारों में हो या एजेंट के द्वारा हो या टीवी द्वारा हो या अन्य प्रकार से हो, इसका लक्ष्य लोगों को अपने जाल में फंसा लेना होता है। जैसे विभिन्न प्रकार के कंपनियां अपनी उत्पादन की बिक्री के लिए उससे संबंधित नए नए तरीकों से लोगों को लुभाते हैं, परंतु उसका उपयोग करने पर जो विज्ञापन में दिखाए जाने वाले तथ्य हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता। कई लोगों ने विज्ञापन पढ़कर कुछ पैसे भी भेज देते हैं, तो इस प्रकार विज्ञापनों के द्वारा लोगों की ठगी करते हैं, जो श्वेत वसन अपराध के प्रमुख कारण हैं। अगला कारण है अदालत से बचने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति अदालतों से बचना चाहता है। वह सोचता है कि मेरा तो थोड़ा सा नुकसान हुआ है, यदि हम अदालत या कोर्ट कचहरी जाएंगे तो उससे ज़्यादा हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से यह सोच करके इन श्वेत वसन अपराधियों के प्रति किसी प्रकार के कंप्लेन या शिकायत नहीं करते। अगला कारण कानून की जटिलता। कानून में जटिलता होने के कारण सफेदपोश अपराधियों के लिए जनता को धोखा देना एक सामान्य बात हो गई है। आजकल समाज में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो समाज को हानि पहुंचाते हैं, परंतु कानून का श्रेय सीमित होने के कारण उन कार्यों को अपराध घोषित नहीं किया जा सकता और ऐसे सफेदपोश अपराधी इन मौकों का लाभ उठा करके वह अधिक से अधिक लोगों को धोखा देकर अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अगला कारण उच्च पदों पर रहने वाले लोगों का समर्थन। आज हमारे समाज में कहीं न कहीं लोगों का उच्च पदों पर बैठने वाले लोगों से संपर्क रहता है, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो या समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सम्मानीय व्यक्ति हो, उन सभी का कहीं न कहीं उच्च पदों पर रहने वाले लोगों से संबंध बना हुआ होता है। इन्हीं संबंधों का लाभ उठा करके ऐसे लोग जो है समाज में इस प्रकार के अपराध करने पर आतुर रहते हैं। श्वेत वसन अपराधी की पहुँच काफ़ी ऊपर तक होती है और अधिकारी तथा उच्च वर्ग के लोग व उनके मित्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सफेदपोश अपराधी के हितों की पूर्ति करते हैं, जिसके परिणाम यह होता है कि सफेदपोश अपराधी अपराध करने से नहीं हिचकिचाते, और क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें अधिकारी या उच्च वर्ग का समर्थन प्राप्त होता है। जैसे एक व्यापारी अवैध शराब बनाता है, वह जानता है कि अगर वह पकड़ा गया तो अमुक उच्च अधिकारी या अमुक राजनीतिक व्यक्ति उसका मित्र है, वह प्रत्येक माह उसे कुछ न कुछ धन देता रहता है, इसलिए वह बेखौफ इस प्रकार के समाज विरोधी या कानून विरोधी कार्य करता है। अगला सफेदपोश अपराध के अगला कारण धर्म का अधिक महत्व। आज हमारे समाज में धन के महत्व दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिनके पास अधिक धन है वह समाज में उच्च और प्रतिष्ठित व्यक्ति माना गया है। भौतिकवादी समाज एक ऐसा समाज है जहां धन
का अधिक महत्व माना गया है। यही धन श्वेत वसन या सफेदपोश अपराध की दर को बढ़ाता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य किसी भी कीमत पर अधिक धन चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि यही धन उसे भौतिक सुख और सम्मान देगा। इसलिए वह गलत तरीके से रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, विज्ञापन में धोखा करता है और आयकर से बचता है। ये सभी आज इस प्रकार के इन सभी कार्यों के द्वारा वह व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाकर अपना लाभ, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि सफेदपोश अपराध का तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो समाज में उच्च पद पर बैठे व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान करते हैं, और यह अपनी प्रतिष्ठा के आड़ में समाज विरोधी या कानून विरोधी कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वह बाहर से सज्जन दिखाई देते हैं, परंतु अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए वह दूसरों से आपराधिक कार्य करते हैं। इस प्रकार के अपराध में यह विशेष बात यह है कि ऐसे अपराधी स्वयं इस प्रकार के अपराध न करके दूसरों के माध्यम से अपराध या गलत कार्य या सामाजिक विरोधी या कानून विरोधी कराते हैं। अगर वह दूसरों के माध्यम से इस प्रकार के अपराध कराते हैं और कानून की पकड़ में आ जाते हैं तो उसे छुड़ाने की चेष्टा कर लेते हैं। उच्च परिस्थिति होने के कारण ऐसे व्यक्ति जो है कानून से बच जाते हैं और निरंतर इस प्रकार के अपराध करते रहते हैं। ऐसे अपराधियों के कारण आज हमारे समाज में अनेक समस्याओं का जन्म हुआ, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे अपराधों के प्रति एक निश्चित कानून बनना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, तभी इस प्रकार के सफेदपोश अपराध को हमारे समाज से, हमारे देश से समाप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।